हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम जा रहे हैं रमतोली गांव घूमने के लिए, मम्मी भैया और मैं। तो आपको दिखाता हूँ ऊपर रमतोली गांव कैसा है, तो चलते चलो। तो अभी हम उस दिन गए थे, आपने पिछले व्लॉग में देखा था, हम गए थे शिमलगढ़ घूमने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं रमतोली गांव, तो देखते हैं अभी वहाँ का नज़ारा एक से जगह। तो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लग रहा है, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं अभी, हम फिर अभी मिलते हैं आपको। तो दोस्तों अभी हम घर से निकल गए, अब रमतोली से निकल गए, निकल गए दोस्तों अभी हम जा रहे हैं ऐसे ऑफ रोड में, बिल्कुल आप नज़ारे का एंजॉय करो, कैसा लग रहा है वीडियो। तो रमतोली पहुंचने वाले थोड़ा है अभी, और आप पीछे का नज़ारा देखो तो मैं आपको दिखाने के लिए रुका था, पीछे कैसा नज़ारा आ रहा है, बिल्कुल एकदम मस्त। और ये बिल्कुल नदी जा रहा है, देखो कैसा प्यारा सा व्यू आ रहा है देखो। और ये जब हम पहले रमतोली गांव जाते थे तो लोग इस पैदल वाले रास्ते से जाते थे, अब तो रोड बन गया है, यहाँ पर बिल्कुल गाड़ी लेके भी आ सकते हैं। और नज़ारे चेक करो आप, एक नंबर। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं रमतोली गांव, जो अभी हम जा रहे हैं इससे थोड़ा और आगे, और आप नज़ारे देखो कैसा लग, और वीडियो कैसा लग रहा है बताना दोस्तों। तो अभी हम जा रहे हैं, रास्ता बिल्कुल पतला सा वन वे टाइप का सिंगल रोड है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं रमतोली गांव से थोड़ा ऊपर पे, और आपको मैं नज़ारे दिखाता हूँ, बिल्कुल एकदम बढ़िया बढ़िया। और इस रमतोली गांव से पूरे धारचूला और ये पूरे हमारे गलाती धारचूला निकाल पानी NHPC तक सब में पानी सप्लाई इधर ही से होता है। और ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल ये जो बना दिख रहा है ना टंकी वगैरह, उधर से इधर से पानी सप्लाई होता है पूरा गलाती वगैरह, तो गलाती निकाल पानी यहाँ से जाता है पीने का पानी सबके घरों में। तो अभी हम जा रहे हैं इसे थोड़ा और आगे धामी गांव की तरफ, तो अभी चलते हैं, अभी हमें ऊपर और जाना है थोड़ा। गलाती का लास्ट पुल धामी गाँव का है। मैं क्या कह रहा था ना, गाड़ी एक बार ना अपनी गाड़ी लेके वहाँ चलते हैं, धारमा चलते दुआ से। बार बार आपने अगर हमारा धारमा का सीरीज नहीं देखा तो अगले साल नेक्स्ट ईयर हम लोग फिर से दोबारा धारमा जाएंगे, और आपका पंचा चुली और उससे आगे सीखू गाँव है हमारा गाँव, लास्ट विलेज ऑफ हमारा उत्तराखंड का ये मतलब सीपू गांव है, वहाँ लेके जाएंगे और वहाँ के नज़ारे आपको एक से एक दिखाएंगे, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। ट्राई करेंगे इस बार जाने की, रोड तो वहाँ रोड तो अच्छी बन गई है, इस बार रोड खुल गया है, हमारी गाड़ी आराम से चले जाएंगी, फिर लेके जाएंगे फिर आप ट्राई करेंगे जाने की। गलाती का लास्ट पुल है ये, निकल जाएगा। तो दोस्तों मम्मी ने बताया कि इस पेड़ को पहिया बोलते हैं हमारे स्टेट में, चलता है तो दिखा दो अंशु, है ना। तो गाइस हम अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिला, मम्मी ने बताया हमें कि ये वाला पेड़ हमारे इष्ट में चढ़ता है, और हमारा इष्ट अलकनाथ हुआ, अलकनाथ देवता, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे इष्ट के लिए। और ये देख सकते हैं आप इस पौधे को। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा होगा, अभी भाई कहता पहिया का पेड़ लेने, ये हमारे अलकनाथ खुदाई इष्ट है, और ये 12 साल में एक ही बार होता है ये वाला पूजा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है बताना, और नज़ारे देखो आप पूरा, ये देखो ऐसा बिल्कुल।
और पहिया इधर इधर ही मिलते हैं पहिया, गलाती के धामी गांव से ऊपर से पहिया मिलना चालू होता है। और ये वीडियो देखो और नज़ारे एक नंबर, मज़ा आ जाएगा देख के। देखो नज़ारे एक नंबर है सब के सब।